गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर राम नारायण तिवारी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 रीवा से। आज बच्चों हम कक्षा 10वीं विज्ञान के विद्युत की इकाई अर्थात अध्याय 12 के चौथे भाग का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पिछले भागों को हम जोड़ते हुए हम यहाँ पर आगे के भागों को हम देखेंगे और पिछले जिन हम भागों को आपके सामने रख चुके हैं, जिनका वर्णन कर चुके हैं और जो महत्वपूर्ण भाग हैं उन्हीं भागों से संबंधित ज़्यादातर आज हम एनसीईआरटी पुस्तक के आंकिक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, हम इसके पिछले भाग में, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रतिरोध और उसकी निर्भरता, प्रतिरोधकता पढ़ चुके हैं और इसके अनुप्रयोग के बारे में हम आपको बता चुके हैं, जिसमें हमने एक सारणी का उल्लेख किया था प्रतिरोधकता की और उसके आधार पर हमने अनुप्रयोगों का, पदार्थों के अनुप्रयोगों का पर्याप्त वर्णन किया था। तत्पश्चात हमने पिछले भाग में प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन, इन सब बातों को भी हमने यहाँ पे बड़े ध्यान से देखा था, चर्चा में लिया था। आइए बच्चों, हम यहाँ पर आगे एक महत्वपूर्ण भागों की चर्चा कर लेते हैं, जो हमने पिछले भाग में हमने जिनको देखा है। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है और किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ये हमारा पिछले भाग का एक अंश है जिसमें हमने ये बताया था कि जो प्रतिरोध होता है, किसी चालक का प्रतिरोध, वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने इसकी चर्चा की थी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होने की। दूसरा हमने बताया था कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो गणितीय भाग में हमने यहाँ पर इस तरह से दर्शाया है। अर्थात चालक मोटा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा और चालक पतला होगा तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। इस भाग की हम चर्चा पहले कर चुके हैं। साथ ही हम इसके बाद पिछले भाग में बच्चों हमने पढ़ा था श्रेणी संयोजन, इसकी हमने पूर्ण व्याख्या की थी कि श्रेणी संयोजन कैसे बनाया जाता है और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु निकले थे। पहला हमने इसमें देखा था इस संयोजन में कि श्रेणी संयोजन में जो विभवांतर होता है भी, ये विभवांतर, कुल विभवांतर जो होता है सभी प्रतिरोधों के संगत, मतलब यहाँ पर विभवांतर कितना है पहले प्रतिरोध के संगत, दूसरे प्रतिरोध के संगत कितना है, तीसरे प्रतिरोध के संगत कितना है, इनके योग के बराबर होता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। दूसरा हमने यहाँ पे आई नियत होता है श्रेणी संयोजन में, हमने ये आपको बताया था। अर्थात आप देखिए, सभी प्रतिरोधों से समान धारा बहेगी, जो बैटरी से धारा निकलेगी वही धारा सभी प्रतिरोधों से होकर जाएगी, इस कारण हम इस आई को कांस्टेंट कहते हैं। तत्पश्चात बच्चों हमने यहाँ पे तीसरा रीजन पढ़ा था जो रिजल्ट के रूप में निकाला था कि श्रेणी संयोजन में जो कुल प्रतिरोध होता है समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अर्थात इस स्थिति में कुल प्रतिरोध परिपथ में जुड़े अधिकतम मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है। R1 है, R2 है, R3 है, इनमें तीन में से यदि जो भी सबसे अधिक होगा, जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा, परिणामी प्रतिरोध उससे भी ज़्यादा आएगा। ये यहाँ से ये बात क्लियर होती है। तो ये तीन इसके रिजल्ट हैं बच्चों, जिनको ध्यान रखना है। समांतर संयोजन में भी हम थोड़ा सा यही समझ लेते हैं। तो समांतर संयोजन में बच्चों हमने यहाँ पे ये बताया था कि समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। ये भी सभी प्रतिरोधों के लिए, जो यहाँ पे R1 जुड़ा हुआ है, ये दूसरा R2 जुड़ा हुआ है, ये तीसरा R3 जुड़ा हुआ है, इन तीनों के लिए ये विभवांतर भी यहाँ पे आपको समान मिलेगा, समान होगा। ये
पहला रिजल्ट है, इसमें ध्यान रखना है। दूसरा आई का मान आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ स्रोत से जो ये धारा इस तरह से जा रही है, यहाँ जाके धारा कुछ इधर चली गई, कुछ इधर जा रही, कुछ इधर जा रही, धारा का यहाँ से तीन रास्तों में बंटवारा हो रहा है इस तरह से, तीन दिशाओं में। यहाँ पे ये एक धारा, इधर से दूसरी धारा आ रही और इधर से तीसरी धारा, अर्थात विद्युत धारा यहाँ पे तीन भागों में विभाजित होती है जो स्रोत से निकलती है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका तीसरा रिजल्ट है बच्चों, ये दूसरा रिजल्ट है। तीसरा रिजल्ट है इसका परिणामी प्रतिरोध कितना आता है, तो परिणामी प्रतिरोध इस संयोजन का बच्चों आपको मिलेगा ये R 1/R इसकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तीनों रिजल्ट समांतर संयोजन के लिए आपको बच्चों ध्यान रखना है। तो हमारी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से देखेंगे ये प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं जो आपके NCERT पुस्तक में दिए गए हैं। साथ ही हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे यहाँ पे हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये आपके NCERT पुस्तक का पहला प्रश्न है। इस पर लिखा हुआ है एक वैद्युत लैंप, आप पुस्तक में 12.7 प्रश्न को देख सकते हैं। एक वैद्युत लैंप है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, इसके साथ एक 4 ओम का चालक जुड़ा हुआ है, एक बैटरी से चित्र के अनुसार यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कि ये दोनों यहाँ पे जो 4 ओम है और जो बैटरी लैंप है 4 ओम का, ये है यहाँ पे एक प्रतिरोध चालक तार और ये बल्ब है 20 ओम का, यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दोनों को परिपथ में आप देखिए श्रेणी क्रम में एक के बाद एक जोड़ा गया, श्रेणी संयोजन इनका किया गया है। तो हमको कुल प्रतिरोध निकालना है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा निकालना है और चालक के सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है। तीन अलग अलग बिंदु की गणना करनी है। तो हम एक एक करके गणना करते हैं। सबसे पहले हमको निकालना है कुल प्रतिरोध इसका। बच्चों यहाँ पर देखिए आप, ये 4 ओम और यहाँ पे जो 20 ओम है ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी संयोजन के कारण यहाँ पे R1 और R2, क्योंकि श्रेणी संयोजन का ये सूत्र होता है, इसलिए इस सूत्र के अनुसार हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो परिणामी प्रतिरोध इस परिपथ का आ जाएगा, अर्थात आपको 24 ओम इसका आंसर मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। सीधा सीधा बच्चों आपको श्रेणी संयोजन यहाँ पे इस्तेमाल कर देना है। तो ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ पे श्रेणी संयोजन के लिए R=R1 और प्लस R2 ये इसका सूत्र होता है। इस सूत्र से हम यहाँ पे इसको परिणामी प्रतिरोध निकाल देते हैं। आगे हम गणना करते हैं इसमें जो भी पूछा गया है। दूसरा, परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी। परिपथ में प्रवाहित धारा के लिए हम यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, अर्थात इसमें 6 वोल्ट का विभवांतर दिया गया है। श्रेणी संयोजन में हमने आपको बताया है कि I का जो मान होता है धारा, ये नियत होती है। तो नियत धारा होने के कारण यहाँ पे I का मान दोनों प्रतिरोधों के लिए, इसके और इसके लिए समान होगा बच्चों। तो जब समान होगा, R1 और R2 यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो I जो है I कितनी होगी, V/RS, परिणामी जो संयोजन का प्रतिरोध इसके पहले आया है, तो इसके पहले RS संयोजन का कुल प्रतिरोध RS आपको कितना मिला है बच्चों, यहाँ पे इसके पहले हमने आपको 24 बता दिया है इन दोनों को जोड़ के, तो 4 ओम और 20 ओम ये 24। तो आप यहाँ पे ओम का नियम लगाएंगे, V=IR और IR लगा करके यहाँ से आप I निकालेंगे तो I का ये मान आएगा V=IR से। यहाँ से I की गणना कर लेंगे, V के स्थान पे ये 6 वोल्ट हमने रख दिया, I के स्थान पे ये हम 24 ओम रख देते हैं, तो हमको धारा का मान इस तरह से मिल जाता है। क्योंकि श्रेणी संयोजन में धारा का मान नियत होता है,
इस कारण से ये धारा यहाँ पे दोनों प्रतिरोधों के लिए नियत होगी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। अब हम इसके तीसरे भाग पर चलते हैं कि तीसरा भाग इसमें क्या पूछा गया है। तो तीसरा भाग इसमें पूछा गया है यहाँ पे कि विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। आई आपको मिल गई जो इसके ठीक पहले हमने 0.25 एम्पियर, इसके पहले हमने गणना लिया I इज कल टू 0.25 एम्पियर, ये निकाला 0.25 यहाँ पे जो लिखा हुआ है। इसमें हमको प्रतिरोध की गणना गुणा कर देना है। तो यहाँ पे जो हम प्रतिरोध निकालेंगे, पहला प्रतिरोध V1 इज कल टू यहाँ पे I और R1, यहाँ पे V इज कल टू IR हम इसके लिए लगा देंगे। I का मान नियत है, R यहाँ का रखेंगे तो V इज़ कल टू IR इतना निकल आएगा। इसके संगत विभवांतर कितना होगा, इसी तरह से V इज़ कल टू IR हम यहाँ रख देंगे, इसके लिए V इज़ कल टू IR हम यहाँ लगा देंगे। इस जगह पे 4 ओम का, ये 4 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे है, इसका विभवांतर यहाँ गणना किया गया है और इसके लिए विभवांतर की गणना बच्चों यहाँ पे की गई है। तो इन दोनों के लिए ओम के नियम से विभवांतर की गणना की गई है। तो हम इस तरह से इसको ज्ञात कर लेंगे। आगे बच्चों हम देखेंगे यहाँ पे इस पूरे रिजल्ट से ये ज्ञात होता है कि इस परिपथ में इतनी धारा प्रवाहित होगी, जो लगाया गया आरोपित विभवांतर है वो इतना है, परिपथ का परिणामी प्रतिरोध इतना हो जाएगा। यदि हम यहाँ से, हमने पहले ही R इज़ इक्वल टू V अपॉन I गणना कर लिया, यदि हम R को यहाँ से V अपॉन I से गणना करें तो आप देखिए भी यहाँ पे हमको 6 वोल्ट मिला हुआ है, I इतना इसके पहले निकाल चुके हैं, तो ओम के नियम से भी हमको ये 24 ओम मिल जाएगा। तो यह श्रेणी परिपथ का कुल प्रतिरोध, इसका आशय कि यह श्रेणी परिपथ का कुल प्रतिरोध है और श्रेणी संयोजन में जो प्रतिरोध होता है कुल प्रतिरोध प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ये हमें ओम के नियम से पुष्टि हो रही है, मिल रहा है। तो ये NCERT का क्वेश्चन हुआ जिसमें हमने श्रेणी संयोजन के लिए विभवांतर, धारा और प्रतिरोध के सब की गणना की। आगे आइए बच्चों हम देखते हैं समांतर संयोजन से संबंधित एक क्वेश्चन। आपको कॉन्सेप्ट इसका ध्यान रखना है समांतर संयोजन का, जैसे हमने श्रेणी संयोजन को आपको बताया था, ठीक उसी तरह से समांतर संयोजन के गुणधर्म लगाते हुए हम यहाँ पे उदाहरण नंबर 8 को देखेंगे जो आपके NCERT का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, पुस्तक में आप देखें बच्चों, ये चित्र 12.10 के परिपथ आरेख को लेना है। इसमें R1, R2, R3, R1 बराबर 5 ओम, R2 की जगह पे 10 लेना है, R3 की जगह पे 30, ऐसे 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं और फिर इनको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, पहले में निकालना है प्रत्येक प्रतिरोधक से माने अलग अलग सभी R1 से कितनी धारा जा रही, R2 से कितनी जा रही, R3 से कितनी जा रही, अलग अलग। फिर कुल धारा निकालना है कि परिपथ में कुल कितनी धारा है और परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। तो हम यहाँ पे, आप मान को ध्यान रखिए, बुक में देखते रहिए और हम इसकी गणना समांतर संयोजन के गुणधर्म से कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो R1 इज इक्वल टू यहाँ पे 5 ओम दिया है, R2 10 ओम दिया है, R3 30 दिया है, तीनों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर संयोजन में सभी के लिए विभवांतर समान होता है, तो 12 वोल्ट सभी को देना है तीनों के लिए। ये समांतर संयोजन का गुणधर्म है कि जितनी बैटरी हम लगाएंगे वो सबके लिए, जितने वोल्ट की बैटरी लगाएंगे वो सभी प्रतिरोधों पर वो विभवांतर स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ से हम ओम का नियम लगाएंगे, क्योंकि धारा यहाँ पे 3 भागों में विभक्त हो जाती है, कुछ धारा यहाँ से ऊपर वाले प्रतिरोध 5 ओम से जाएगी, तो 5 ओम से कितनी धारा जाएगी इसकी गणना के लिए यहाँ पे ओम का नियम लगा हुआ है। 5 ओम के संगत जाने वाली धारा जो ऊपर प्रतिरोध जुड़ा है, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R, ये ओम के नियम से हो जाएगा, माने V इज इक्वल टू IR से हो गया बच्चों। यहाँ से हम पहले प्रतिरोध के लिए केवल लगाएंगे तो I1 निकालेंगे, आपको इतना मिल जाएगा।
फिर बच्चों यहाँ पे आप देखिए दूसरे प्रतिरोध के लिए फिर से आपको ओम का नियम यहाँ पे लगाया गया है, आई स्कल टू भी अपान आर टू, लेकिन धारा आर टू से कितनी जा रही है इसलिए प्रतिरोध यहाँ पे आर टू लिया गया है। तो आप देखिए आई टू का मान हम यहाँ पे निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, कहाँ से, दूसरे प्रतिरोध में यहाँ पे भी तो सबके लिए 12 वोल्ट है, जो यहाँ पे इतना लगा हुआ है 12 वोल्ट इस जगह पे, तो ये सबके लिए समान है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट जो यहाँ पे 12 वोल्ट लगाया हुआ है इस बैटरी का, ये सबके लिए समान है प्रश्न में दिया है। तो अब ये सबके लिए जब समान हो गया तो बच्चों यहाँ पे हम दूसरे का प्रतिरोध 30 है, दूसरे का प्रतिरोध 10 था तो उसकी धारा की गणना कर लिए, अब तीसरे में 30 का प्रतिरोध है, इसी आधार पर I3 हम यहाँ पे निकाल लिए इसको। कुल धारा क्या होती है, देखो बच्चों समांतर संयोजन के यदि गुणधर्म आपको याद है तो आपको पता होगा कि समांतर संयोजन में यहाँ पे जो कुल धारा होती है सभी प्रतिरोधों से गुजरने वाली धाराओं का योग होती है। यहाँ पे हमने उस रिजल्ट को उपयोग में हमने लिया है, क्योंकि सभी की धारा हमने निकाल लिया, I1 इसके पहले हमने निकाला, I2 यहाँ आप देख रहे हैं इस स्लाइड पर हमने निकाल लिया, I3 यहाँ पे निकाल लिया, तो I1 I2 I3 का ये हमने तीनों मान रख दिया इस जगह पे, तो कुल धारा यहाँ पे आ गई 4 एम्पियर। तो I इसकल टू यहाँ पे इस परिपथ से जो यहाँ से धारा इस तरह से बहेगी यहाँ तक, तो ये I इसकल टू 4 एम्पियर की धारा यहाँ से बहेगी, आगे चल करके ये ऐसे तीन भागों में विभक्त होगी। तो आपको ये बात बच्चों समझ में आ गई होगी, ठीक। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन 12.9 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों 12.9 में पूछा गया है कि चित्र 12.12 पुस्तक में आप जरूर देखेंगे, R1 बराबर इतना दिया है, दूसरा प्रतिरोध R2 लिखा है इतने मान का, तीसरा R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 20 ओम और R5 बराबर 60 ओम, पांच प्रतिरोध यहाँ पे दिए गए हैं और पांचों प्रतिरोध को इस चित्र के आधार पे जैसा चित्र में संयोजित है वैसा काम करना है। इस चित्र में आप देख रहे हैं 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, हमें क्या क्या करना है, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, परिपथ में बहने वाली कुल धारा निकालना है। आप इस डायग्राम में देखेंगे बच्चों ये जो परिपथ आरेख बना हुआ है यहाँ पे दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, बच्चों यहाँ पर तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो पहले इनके समांतर संयोजन से इन दो प्रतिरोध का परिणामी निकाल लेंगे, इन दोनों का परिणामी निकालेंगे, फिर इन दोनों का परिणामी निकाल, इन तीन का परिणामी निकालेंगे, क्योंकि ये जो गोला हमने बना दिया ये अब आगे चल करके एक दूसरे से श्रेणी संयोजन कहलाएंगे। तो समांतर संयोजनों का बच्चों यहाँ पे श्रेणी संयोजन है, मतलब यहाँ पे आपको श्रेणी और समांतर दोनों संयोजन संयुक्त रूप से समझना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बैटरी के इस एक सिरे से यदि आप यहाँ पे निकलेंगे इस जगह से, तो आपको पहले धारा दो भागों में यहाँ चल करके विभाजित होगी ऊपर और एक ये नीचे, इसलिए ये हुआ धारा का विभाजन हुआ, तो ये दो का समांतर संयोजन हुआ, आगे आकर धारा ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। अब इसके आगे चलेंगे तो ये श्रेणी संयोजन हो गया, क्योंकि धारा इकट्ठा हो गई, धारा इकट्ठा होकर यहाँ पे आई तो इसको तीन भाग मिलेंगे, एक ये दूसरा और ये तीसरा, तो यहाँ तीन संयोजनों का तीन प्रतिरोधों का समांतर हो गया। लेकिन ये जो कुल दोनों यहाँ पे पहला ये संयोजन है समांतर और ये जो दूसरा संयोजन है तीन प्रतिरोध आपस में ये एक दूसरे से यहाँ पर देखें तो ये श्रेणी संयोजन में जुड़े हैं। तो पहले हम इनका समांतर संयोजन बच्चों निकालेंगे दोनों का अलग अलग, तत्पश्चात इनका श्रेणी संयोजन निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आगे देखिए, हम आगे चलते हैं, ये वही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने सबसे पहले R1 और R2 इन दोनों का हमने यहाँ पे समांतर संयोजन से मान निकाला, क्योंकि समांतर संयोजन का ये परिणामी सूत्र होता है, इस सूत्र को लगाकर यहाँ पे उपयोग करके दो प्रतिरोध के लिए, मतलब हमने यहाँ पे केवल इतना इस्तेमाल किया, इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि तीसरा यहाँ पे है नहीं, दो ही जुड़े हुए हैं।
आर वन इक्वल टू यहाँ पे 10 ओम दिया हुआ था, तो आप देखिए 1/10 रखेंगे आर वन की जगह पे, आर टू की जगह पर यहाँ पर 40 लिखा हुआ है तो आर टू की जगह पे 40 रखना है, आर वन की जगह पे यहाँ पे 10 रखेंगे तो 1/10 1/40 हल कर देंगे तो आपको आर डैश 8 ओम आएगा, मतलब यहाँ पे 8 ओम परिणामी मान हो गया। तो इस जगह का प्रतिरोध 8 ओम हुआ, इस जगह का परिणामी ये मान। अब हम इन तीनों का परिणामी संयोजन निकाल लेते हैं। तो हम बच्चों इन तीनों का परिणामी संयोजन इसी सूत्र से निकालेंगे, 1/R" = 1/R1 ये लिखा हुआ है, फिर 1/R2 ये लिखा हुआ है, 1/R3, इसको हम हल करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मान मिलेगा, 10 ओम इसका मिलेगा। आप हल करके देखिए यहाँ पे 10 ओम इस संयोजन का परिणामी मिलेगा। तो अब आप कह सकते हैं कि इन दो यहाँ का प्रभावी मान 8 ओम है, इस जगह का प्रभावी मान 10 ओम है। अब हम आप कह सकते हैं कि ये 8 ओम और ये 10 ओम कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, इसलिए अब हम यहाँ पे श्रेणी संयोजन लगा देते हैं 8 और 10 के लिए। तो यहाँ पे ये इसका मान हुआ 8 ओम, इसका मान हुआ 10 ओम, और हमने यहाँ पे श्रेणी संयोजन लगा करके 18 ओम इसका मान निकाल लिया दोनों का। तो परिणामी मान कुल परिपथ का प्रतिरोध ये आ गया। अब हमें इसमें धारा भी निकालना है, तो जब कुल मान मिल गया तो कुल विभवांतर यहाँ पे बैटरी का लगा हुआ है आपके पास 12 वोल्ट प्रश्न में दिया था, आप बुक में देखें तो 12 वोल्ट में, और ये परिणामी प्रतिरोध आप डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आपको इस परिपथ में बहने वाली धारा 0.67 मिल जाएगी। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, श्रेणी संयोजन का यहाँ पे पूरा खेल है बच्चों। तो आगे अब हम चलेंगे अगले प्रश्न में। बच्चों यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, ये एक्सरसाइज का प्रश्न है आपके प्रश्नावली का इस चैप्टर के। यहाँ पे लिखा है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम, तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो। इन तीनों को संयोजित करके जोड़ करके व्यवस्था आपकी है कि आप कैसे यहाँ पे इसको जोड़ते हैं। तो 4 ओम और 1 ओम इनका जो है कुल प्रतिरोध हो। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 ओम और 6 ओम को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। इसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी, संभावना होगी, 2 को श्रेणी 1 को समांतर 2 को समांतर 1 को श्रेणी, 3 को श्रेणी 3 को समांतर, ऐसा संयोजन बार बार बनाइए तो आपको एक स्थिति ये मिलेगी कि 3 और 6 ओम को जब हम समांतर पार्श्वक्रम माने समांतर क्रम में जब हम जोड़ेंगे तो परिणामी प्रतिरोध इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमने 2 प्रतिरोध को यहाँ पे किसको किसको जोड़ा था, आप देखिए यहाँ पे हमने 3 ओम और 6 ओम को, इन दोनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ करके 2 ओम निकाला। अब जब 2 ओम निकाल लिया तो यहाँ पर अब हम जो एक पहला बचा हुआ है 2 ओम, यहाँ पे पहला वाला, इन दोनों को, ये जो उन दोनों का परिणामी आया पहले वाले से, अब हमने यहाँ पे जोड़ दिया तो हमको 4 ओम मिल गया। अर्थात आपको 4 ओम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध है और इसके बाद जो है 3 और 6 के जो मान होंगे, माने 1 को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे 2 ओम और 3 और 6 के मान को, तो यहाँ पे 3 ओम और यहाँ पे 6 ओम इस तरह से जोड़ेंगे और इसका संयोजन निकालेंगे तो आपको 4 ओम मिल जाएगा बच्चों। इसके बाद वो रिजल्ट पूछा हुआ है बच्चों, क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है दूसरा कि 1 ओम बनाने के लिए क्या करेंगे। तो 1 ओम बनाने के लिए आप पूरा समांतर संयोजन बच्चों लगा दें, समांतर संयोजन तीनों को लेने के बाद ही आपको 1 ओम यहाँ पे मिल जाएगा, ये सरल सा काम है। आगे देखते हैं बच्चों 5वां क्वेश्चन, इसी तरह से आप यहाँ पर पूछा हुआ है 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम के प्रतिरोध यहाँ पे जुड़े हुए हैं, 4 प्रतिरोध हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें पूछा गया है बच्चों कि अधिकतम और
निम्नतम प्रतिरोध कब मिलेंगे? देखो बच्चों, अधिकतम प्रतिरोध आपको श्रेणी संयोजन में मिलता है, तो श्रेणी संयोजन में अधिकतम प्रतिरोध मिलेगा, इसलिए इसको निकालने के लिए आप इस सूत्र को लगा दीजिए। निम्नतम प्रतिरोध जो है आपको समांतर संयोजन में मिलेगा, तो निम्नतम प्रतिरोध निकालने के लिए यहाँ पे समांतर क्रम का संयोजन लगाना पड़ेगा, तो समांतर क्रम में इस सूत्र से इसकी गणना हो जाएगी। यहाँ पे सूत्र में बच्चों हमने तीन प्रतिरोध लिया है, आपको चार चार यहाँ पे करने पड़ेंगे, क्योंकि एक और लेना पड़ेगा R4, यहाँ पे चार प्रतिरोध हैं, तो एक R4 लेकर के ये श्रेणी संयोजन निकालना पड़ेगा। और ऐसे जब समांतर संयोजन निकालेंगे तो 1/R4 यहाँ पर इस सूत्र से इतना और करके समांतर संयोजन निकाल लेंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, इसका आंसर भी हमने यहाँ पे दे रखा है, कैलकुलेट कर रखा है, हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आप स्वयं करने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो इस तरह से ये किया हुआ है। आगे बच्चों यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है आपको समझने के लिए। यहाँ पे लिखा है जब 1 ओम और 10^6 ओम, फिर यहाँ पे लिखा है 1 ओम 10^3 ओम तथा 10^6 ओम के प्रतिरोध पार्श्वक्रम में माने समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? आपको यहां पर तुल्य प्रतिरोध निकालना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सूत्र पता है निकाल लेंगे। यहां लिखा आप क्या निर्णय करेंगे, मतलब यहां पे एक स्टेटमेंट आपको देना है, एक कथन बताना है। तो बच्चों यहां पे आप देखिए, यदि हम श्रेणी संयोजन में जोड़ते हैं तो श्रेणी संयोजन का कुल प्रतिरोध परिपथ में जुड़े अधिकतम मान वाले प्रतिरोध से अधिक होगा, तो यदि इनको श्रेणी संयोजन में जोड़ा जाएगा तो इनका जो परिणामी मान है वो 10^6 से भी ज्यादा आएगा, लेकिन श्रेणी संयोजन की बात नहीं की पूछी गई इसमें, इसमें पार्श्वक्रम में संयोजन के लिए पूछा गया है। तो पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे तो पार्श्वक्रम जोड़ने पर समांतर संयोजन में जो कुल प्रतिरोध होता है, परिपथ में जुड़े जो सबसे छोटे मान का प्रतिरोध परिपथ में जुड़ा होता है, जैसे यहाँ पे 1 ओम है छोटा, दूसरी कंडीशन में भी 1 ओम है, तो परिणामी प्रतिरोध 1 ओम से भी कम आ जाएगा, ऐसा इसमें होगा। तो बच्चों ये था इस भाग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी समांतर संयोजन श्रेणी संयोजन के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।